नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 17 फरवरी और 18 फरवरी के दिन यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था। आप देखेंगे कि जो यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप देख रहे हैं कि तमाम शिकायतें सुनने में आ रहा है कि उसका पेपर लीक हुआ है। तो ऐसे में आज मैं उसी के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों को आई होप ज़रूर अच्छा लगेगा, और मैं कह सकता हूँ कि स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि आयोग ने इस पर जो है अमल किया है कि जो पेपर लीक होने की जो सूचनाएं हैं इस पर अमल करके छात्र हित में जो है एक निर्णय लिया गया है, और इसके संदर्भ में एक जानकारी इकट्ठी की जा रही है। तो आप सभी लोग ज़रूर इस जानकारी को, इस वीडियो को, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जो ज़रूरी काम है उस ज़रूरी काम को ज़रूर करिएगा। जैसे कि इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है ना, यहाँ एड्रेस दिया है, उसके संबंध में सूचना एवं विज्ञप्ति दी गई है। अब देखिए इसमें जो सूचना एवं विज्ञप्ति दी गई है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 महत्वपूर्ण सूचना दिया गया, और ये 22 फरवरी को ये निकला हुआ है। कितने तारीख को? 22 फरवरी को ये जो है आ गया था। तो ऐसे में मैं देखता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है, इस सूचना में क्या दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के दिनांक 17/2 एवं 18/2/2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं प्रिंट मीडिया के कुछ प्रश्नों के संबंध में सूचनाएं वायरल होने की खबरें प्रकाशित हो रही हैं, तथा इस क्रम में अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित जनपदों में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो इसके संबंध में अपना अपना प्रत्यावेदन दिए हैं। तमाम जो अधिकारी हैं उन सभी को अपना अपना प्रतिवेदन दिए हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं से क्या हुआ है, लीक हुआ है, ठीक है। इसके बारे में सूचना लोग दे रहे हैं, तो आप लोग भी सूचना दीजिए जितने भी लोग हैं मेल के थ्रू। आपको कहीं जाना नहीं है, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पर। देखिए सरकार अगला पॉइंट जो दिया है उसको ध्यान से अगर आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसमें सारा चीज़ आपको दिख जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, सर्वसाधारण एवं अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इस विषय में यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना है तो सुसंगत प्रमाणों, ठीक है, जिनके पास सुसंगत प्रमाणों एवं साक्ष्यों पर अपना प्रतिवेदन, देखिए यहाँ दिया ना, सुसंगत प्रमाणों एवं साक्ष्यों के साथ अपना प्रत्यावेदन, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर अंकित हो, ईमेल आईडी है ना, ईमेल क्या दिया है ये देख लीजिए, यहाँ दिया है। कितने तारीख को? आज की 23 तारीख की बात की गई है। समय सायं 6 बजे तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रेषित प्रत्यावेदन एवं प्रमाण साक्ष्यों के अवलोकन परीक्षण करने के उपरांत निर्णय लेते हैं तो अभ्यर्थियों के हित में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके, ठीक है। अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड, 22 तारीख को दिया गया है। देखिए जो मेल दिया गया है वो है क्या, आप जाएंगे ईमेल आईडी से किस पे करना है, ये देखिए दो बार ये दिया है, और बोर्ड, ठीक है, बोर्ड एट द रेट ये, ठीक है, UPP, इसमें इस जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, UPP BPB BPP, ठीक है, .government.in, ठीक है। इस पर जो है अपना आप शिकायत दे सकते हैं, सरकार को सुझाव दे सकते हैं। और इसके लिए एक और सूचना है कि सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, और यह जो है कमेटी रेणुका मिश्रा की अध्यक्षता में, मतलब उन्होंने एक रेणुका मिश्रा के द्वारा जो है एक अध्यक्षता, एक कोई जो है
शायद अधिकारी हैं, उन्हीं अधिकारी के अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है और इसके संदर्भ में संपूर्ण जांच वही करेंगे, ठीक है। तो वो जांच करके आपको बता देंगे कि इसमें क्या है, कैसे है, सारा चीज़ बताएंगे और उसी के आधार पर आपको बताएंगे। तो मैं बता दूं कि ये अच्छी पहल है कि अगर इन सारी चीज़ों को आप ज़ोरदार तरीके से इसका जो है वो करिए, इसमें मेल करिए, मैं भी मेल करूँगा, सभी लोग मेल करिए, मेल करके सरकार तक ये बात पहुँचाइए कि ये साक्ष्य है, अगर कोई साक्ष्य है आपके पास तो ज़रूर मेल करिए, ठीक है, और मेल करके ज़रूर भेजिए, सरकार तक पहुँचाइए, लोगों तक पहुँचाइए कि पेपर लीक हुआ है और री एग्ज़ाम ज़रूर कराए। वैसे समाचारों में देखने को मिल रहा है कि री एग्ज़ाम होने की मतलब इस क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ मिले हैं कि पेपर 100% लीक हुआ है, ठीक है, तो उसके आधार पर कयास लगाया जा रहा है कि जो फैसला आएगा आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो फैसला आएगा वो छात्र हित में फैसला लाएंगे। तो आप लोग ज़रूर जो है, अगर आपके पास कोई साक्ष्य हो ज़रूर मेल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।